वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 8 नंबर पाठ कर्मवीर कथा को पढ़ेंगे। कर्मवीर कथा का अर्थ होता है कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर का अर्थ होता है परिश्रमी, कर्तव्य में वीर या कर्मवान। परिश्रमी व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति और उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा की शुरू में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के रथ को प्रस्त करती है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इस पाठ में हम लोग एक दलित और निर्धन बालक के बारे में पढ़ेंगे जो अपने इच्छा शक्ति और उन्नति की तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है, कलेक्टर बनता है, यूपीएससी का एग्जाम निकालता है और फिर कलेक्टर के पद पर पहुंचता है। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाठ अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते, समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति। कथाया मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात्, उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत। इसका हिंदी अर्थ है, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है जो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको दलित कहा जाता है। तो इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। कर्मवीर लोग अर्थात परिश्रमी लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सब जगह उनका सत्कार होता है, सब जगह उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है। कथा का वास्तविकता है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। इस कथा का मूल उद्देश्य है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, उत्साह से ही सभी काम होता है, इसलिए किसी भी कार्य को उत्साह से करना चाहिए। अस्ति बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखण टोला नामक ग्राम निवसन्ति अस्म, तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना, तेषु एवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थित्यां कुटियां निवसत्। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आत्पमात्राद रक्षति न वृष्टे। इसका हिंदी अर्थ है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखण टोला नामक एक गांव है, वहां बहुत गरीब शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी जैसी थी जो परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। बिहार के दुर्गम क्षेत्र यानी कठिनाई भरा क्षेत्र में भीखण टोला नाम एक गांव था, वहां बहुत गरीब लोग रहते थे, शिक्षा की कमी थी, कठिनाई से वे लोग जीवन निवास करते थे। उन सबों में एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया, कुटिया का अर्थ झोंपड़ी होता है, झोंपड़ी में निवास करता था। झोंपड़ी टूटी थी, उससे केवल धूप से रक्षा होती थी, वर्षा से रक्षा नहीं होती थी। परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोरेक कन्यासी दुहिता चेत्यासन, तस्मात् ग्रामात् क्रोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित, तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत, भीखण टोलां द्रष्टुमागत, स कदाचित खेलंतरम दलित बालकम विलोक्य तस्य आपात रमणीयेन स्वभावेन विभूत। इसका हिंदी अर्थ है, परिवार में स्वयं घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी थी। उस गांव से मात्र एक कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित की गई। वहां एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक भीखण टोला देखने आए। उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। भीखण टोला जो गांव था, वहां से एक कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित की गई। वहाँ पे शिक्षक जब आए तो उन्होंने भीखण टोला देखने आए और वहाँ पे एक दलित बालक को देखकर वह प्रभावित हो गए। उसके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभावान दलित बालक को देखकर
वह शिक्षक प्रभावित हो गए। शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालय मानीय स्वयं शिक्षित मार्भत बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्य कृष्ट शिक्षा कर्म जीवन से परमा गति रीति मन्य मानो निरंतरम अध्यावसायेन विद्याधिगमाय निरतो अभवत। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्तस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्व अध्यवसायेन च प्राथमयम् प्राप। इसका हिंदी अर्थ है, शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। शिक्षक जब भीखन टोला घूमने गए तो वहाँ पे एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखा और उससे वह प्रभावित हो गए और उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी उनकी पढ़ाई से प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उच्च विद्यालय अर्थात हाई स्कूल में गया तो शिक्षक के सहयोग और अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा नाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूय स्वविद्या गुरुनो पदिष्टो असौ बालक पितरोर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयस छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालये प्रवेशम लभत। तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन् सतम पुस्तकालये स्ववर्गे सदा वहित चेतसा अकृत काल क्षेप स्वाध्याय निरतो अभूत। इसका हिंदी अर्थ है, पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। भीखन टोला का जो दलित बालक था जिसका नाम राम परवेश राम था, उसने पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति को तपस्या मान लिया। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता अर्थात पिता की गरीबी के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। महाविद्यालय का अर्थ कॉलेज होता है। राम परवेश राम ने कॉलेज में अपना नामांकन कराया, वहाँ भी शिक्षकों का प्रिय हो गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में लग गया। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनाम विषयानाम पुस्तकानि आत्मसादसौ कृतवान् तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानम वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत्। सर्वत्र राम परवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करके याद कर लिया। स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा नगर में राम परवेश राम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। राम परवेश राम जब कॉलेज में गया तो वहाँ के लाइब्रेरी की अनेक प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करके याद कर लिया तथा स्नातक यानी ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम इस सब डिग्री को स्नातक कहा जाता है। तो स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके कॉलेज का इज्जत बढ़ाई। सभी जगह विश्वविद्यालय में तथा पूरे नगर में राम परवेश राम सुनाई पड़ता था। पिता को उस समय कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने पुत्र के कारण पिता भी प्रसिद्ध हो गए। वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा याम अपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप साक्षात्कारे च समिति सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन। इसका हिंदी अर्थ है, वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार में समिति के सदस्यों को उनके ज्ञान आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से सभी अति प्रसन्न हुए। राम परवेश राम जब हाई स्कूल में था तो उसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, दसवीं के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर वहां से कॉलेज गए, वहां भी प्रथम स्थान प्राप्त किए और फिर स्नातक की परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए तथा महाविद्यालय का नाम ऊँचा किए।
उसके बाद उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यानी यूपीएससी की परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा जब पास किया जाता है तो इसमें कलेक्टर बना जाता है, जैसे DMSP और बहुत सारे पद आते हैं, यानी कोई ना कोई ऑफिसर ही बना जाता है। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जो समिति के सदस्य थे वह राम परवेश राम के ज्ञान, आर्थिक स्थिति और कठोर परिश्रम से बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अद्य राम परवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम अवर्जके वर्तते, न्यूनम असौ कर्म वीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केन्द्र लोकप्रिय संजातः, सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही। इसका हिंदी अर्थ है, आज राम परवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। उनका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षक है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया है। सत्य कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने इस पाठ में राम परवेश राम के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपने परिश्रम के बल पर एक उच्च पद प्राप्त किया। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।